हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसराम नाइट ब्रेकर लेज़र लाइट के बारे में। ये हेडलाइट्स है और ये मैंने अपने होंडा अमेज़ के लिए मंगाया है। सो ये H4 वेरिएंट है, जैसे आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन इसका 12 वोल्ट 60 55 वाट है। जैसे ये क्लेम करते हैं अप टू 150% मोर ब्राइटनेस है, अप टू 150 मीटर्स इसका थ्रो है, प्लस 20% इसका एडिशनल ब्राइटनेस है। एंड पीछे उसका कुछ इस टाइप का है लेबलिंग। 2400 का पेयर है ये, मैंने अमेजोन से अराउंड 1750 का अराउंड मंगाया था। और यहाँ पे एक सील है जो कि पहले से एक्चुअली टूटा हुआ है। सो ऑल थैंक्स टू अमेजोन जो भी ये सेलर है। एंड एक बार इसको मैं बॉक्स से ओपन करके देखता हूँ, बाहर से तो ठीक ही लग रहा है। बाय द वे ये मैंने जस्ट अभी बॉक्स से ओपन किया था। सो दोस्तों, ये बॉक्स ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का है। दो बल्ब है यहाँ पे, H4 कनेक्शन है। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का हल्का सा टिंट दे रखा है। तो चलिए एक बार जब इसको इंस्टॉल करते हैं फिर देखते हैं इनका थ्रो कैसा है। तो दोस्तों, ये डस्ट कैप और ये अपना जो H4 का कनेक्शन है उसको निकाल दिया मैंने। एंड फिर मैंने बल्ब निकाला है, ये वाला जो ओरिजिनल बल्ब है ये फिनिक्स का लगा हुआ है, फिनिक्स 12 वोल्ट 60 55। और ये वाला जो हमारा बल्ब है जो हल्का सा पतला सा है, ये ओसराम वाला है जो कि मैंने अभी बॉक्स से निकाला है। तो इसको एक बार इसको इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, ये मैंने वापस लगा दिया है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है बाहर से। अभी लेफ्ट वाला भी निकाल रखा है, चलो उसको उसका भी बल्ब निकाल के दिखा देता हूँ। ये बल्ब गाड़ी के साथ जो आता है वो फिनिक्स का है, H4 कनेक्शन इस टाइप का दिखता है। ये दोनों पुराने फिनिक्स का निकाल दिए, तो ये दोस्तों ओसराम वाला है। सेम वाटेज का 60 55। ये दोस्तों कनेक्ट हो गया है। अब ये रबर कैप लगा देंगे वापस, जो कि डस्ट अंडर जाने से रोकता है। और फिर ये वापस अपना H4 कनेक्टर उस पर लगा देना है। बस दोस्तों, हो गया, अब स्टार्ट करके देखते हैं।